नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C33 versus Moto G22 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C33 में 6.46 इंच जबकि G22 4G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme C33 में 2.98 इंच जबकि G22 4G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme C33 से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C33 में 187 ग्राम जबकि G22 4G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C33 में 82.06% जबकि G22 4G में 83.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Realme C33 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G22 4G की बात करें तो इसमें चार कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C33 में Mali G57 MP1 जबकि G22 4G में Powerwell GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C33 में Unisoc T612 और G22 4G में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C33 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि G22 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C33 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि G22 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme C33 में 3 कलर्स जबकि G22 4G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C33 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 10,990 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें G22 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme C33 में 7
फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें मोटो G22 4G की तो उसमें 8 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme C33 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G71 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQOS Z6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।